ऑल हैव गॉट टुगेदर, इतनी लवली काइट्स हैं, मांझा है जो बहुत समय लास्ट ईयर तो खैर ये सब देखने को मिला ही नहीं बिल्कुल भी. तो क्या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, व्हाट हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग? सो मेरी तरफ से सबको मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, पोंगल, बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बहुत सारे त्यौहार हैं, हर स्टेज पे ये त्यौहार अलग अलग नाम से बनाए जाते हैं. सो हमारे पंजाब में इसको माघी का त्यौहार बोला जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन है आज. इस दिन जब भी कोई नया काम करना होता है तो उसकी शुरुआत की जाती है. सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. एंड आज ये स्पेशल फेस्टिवल करने का ये रीज़न है कि मैं जिस तरह से आज के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी जाती है कि आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाएगा और हमारी सारी दुआएं बहुत सुनी जाएंगी और हवा में जैसे पतंगे उड़ती हैं वैसे हमारे सारे लाइफ खुशियों से भर जाएगी. सो आज का ये दिन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे पंजाब में सिंघू बॉर्डर पे जितने भी बॉर्डर्स हैं सब जगह किसान भाई जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से कड़कती ठंड में, उनके लिए ये डेडिकेट कर रही हूँ मैं आज का दिन. बिकॉज़ वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जितने भी ये काले कानून लाए गए हैं, फॉर्म लॉज है, उनको वापस नहीं लिया जा रहा है और सरकार इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है. सो मेरा ये मानना है कि मैं ये पॉजिटिविटी, कितनी पॉजिटिविटी से वो लोग वहाँ पे बैठे हैं, कितने किसान, 60 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं पर फिर भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया है, हार नहीं मानी है. उनकी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज आता है, या जीतांगे या मरांगे. सो उनकी तरफ से जब ये ऐसे मैसेजेस यहाँ तक पहुँचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब का इतना फ़र्ज़ बनता है कि हम सब उनकी आवाज़ बने. मुंबई शहर में हम काफ़ी प्रोटेस्ट कर चुके हैं उनके लिए भी, उनके साथ आंदोलन में खड़े हो चुके हैं, पर आज का ये त्यौहार बनाने का रीज़न यही है कि जिस तरह से पॉजिटिविटी से वो सब अपनी जंग वहाँ पर लड़ रहे हैं, उसी पॉजिटिविटी से हम सब यहाँ पर उनके लिए ये त्यौहार मनाएं ताकि जैसे पतंगे हवा में उड़ रही हैं उनकी बात उड़ के सरकार तक पहुंचे और सरकार कुछ कदम उठाए. एंड गुरप्रीत जी, पतंग उड़ के आपके हाथ में आ गई है एंड सो ऐसी कोई बचपन, अब तो हमें जैसे मुंबई में भी बहुत कम देखने को मिलता है, बचपन की कोई ऐसी यादें हैं जब ऐसे पूरी फैमिली के साथ में पतंग उड़ाने की, या कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? बचपन की याद तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेरे ब्रदर के साथ मैं पतंग उड़ाती थी और वो मेरे से 3 साल बड़ा है लखबीर, एंड हमेशा यही होता था कि मेरे को चरखड़ी मिल जाती थी पकड़ने के लिए और जब भी मैं उसको बोलती थी कि मुझे पतंग उड़ाने दे तो वो बोलता था पहले तो 1 घंटा चरखड़ी पकड़, फिर तुझे मैं पकड़ने के लिए दूंगा. पेचे तो हमने बचपन में बहुत लड़ाए हैं बट पतंगों के साथ. सो बहुत फॉन्ड मेमोरीज होती है क्योंकि छत पे जाना, पतंगे उड़ाना, एक दूसरे से मिलना जुलना, तो ये त्यौहार वैसे ही बहुत ज़्यादा मनाया जाता है दिल्ली में, पंजाब में, बॉम्बे में. आप देख रहे हो मुझे तो एक भी पतंग नहीं दिख रही, सारी पतंगे सिर्फ हमारी छत पे ही पड़ी हैं. स्पेशल सूरत से ये पतंगे आई हैं, ऑलमोस्ट 200 पतंगे और चरखड़ियाँ यहाँ पर भेजी गई हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आज हम ये सब दोस्तों के साथ मिल के उड़ाएंगे. एंड 2021 में हम सभी प्रेजेंट आ गए हैं, इस साल का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, आज हम आपको याद देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके ढेरों सारे कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप पंजाब में भी जज कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप कुछ उसके बारे में अगर आप बता सकें. सो कल मैं सुबह चंडीगढ़ जा रही हूँ, 1.5 महीना मैं अप डाउन ही करूँगी चंडीगढ़ और मुंबई में, बिकॉज़ वहाँ पे मैं पिछले 3 साल से मिस PTC पंजाबी जज कर रही हूँ. सो अगेन इस साल फिर से, पिछले साल तो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड, सो इस साल फिर से आई एम जजिंग मिस PTC पंजाबी. मेरे साथ 2 और जजेस रहेंगे जिसमें से एक हिमांशी खुराना है और एक पंजाब की एक्ट्रेस हैं जपजी खेड़ा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज नया टैलेंट आता है, नई नई लड़कियों से मिलने को मिलता है, उनसे बात करने का, उनको जज करने का जो मौका मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है. सो मार्च तक तो आई एम ऑल चोको ब्लॉक और उसके बाद आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे विद माई मॉम टू मालदीव्स. लेट्स सी वो होता है कि नहीं होता, एंड देन फर्दर प्रोजेक्ट्स आर लाइंड अप. एंड आज का दिन कैसे और क्या कुछ करने वाली है फैमिली मेम्बर्स के साथ में, कैसे सेलिब्रेट करती हैं गुरप्रीत जी? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और काफ़ी आ भी चुके हैं, थैंक यू सो मच. एंड बस अब सबके साथ मिलके, बिकॉज वो सब भी इसलिए एक्साइटेड है कि मुंबई शहर में तो बिल्कुल भी कभी भी पतंगे देखी नहीं है, उड़ाने तो बहुत दूर की बात है. सो इसलिए वो सब बहुत एक्साइटेड है कि आज हम कोशिश ज़रूर करेंगे पतंगे उड़ाने की, चाहे हमारे से उड़े ना उड़े. तो अब साथ ही साथ हमने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है, वेज नॉन वेज अच्छी अच्छी रेसिपीज़ कुजीन है, एंड
सब शाम तक चलेगा, ये सब देखो कितने मजे करते हैं सब। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं गुरप्रीत जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी किसानों के लिए और उस बहाने उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। बस उनकी दिल की इच्छा यही है कि जैसे पतंग आसमान में उड़ते हैं, लहराते हैं, वैसे हमारे जो फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं इतने महीनों से, उनकी इच्छा, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, सरकार उनकी इच्छा पूर्ण करे और उनकी फसलें भी लहराए और वो भी ज़िंदगी में बहुत आगे आए। थैंक यू गुरप्रीत जी। आई वुड लाइक टू नो द सेम थॉट्स फ्रॉम यू एंड आल्सो वी हैव टू हियर वन सॉन्ग इन मकर संक्रांति। ओके, सबसे पहले तो मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मकर संक्रांति एंड लोहड़ी की। और बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरप्रीत कौर चड्ढा दीदी ने आज ये बहुत ही अच्छा इस ओकेज़न पे सबको इनवाइट किया और हम लोगों को पतंग उड़ाने का मौका मिलेगा। इससे बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादा यूपी में ही उड़ती है पतंग, मुंबई में बहुत कम मिलती है। और ये इसके लिए मैं सबको ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। और चलिए आइए मैं एक छोटा सा सॉन्ग लोहड़ी पे आज के ओकेजन पे सुनाना चाहती हूँ। वे तो लौंग वे मैलाची तेरे पीछे आगवाची, वे तो लौंग वे मैलाची तेरे पीछे आगवाची, तेरे शेके ने मारे गुड़ कच दी कवारी, तेरे शेके ने मारे गुड़ कच दी कवारी, वे मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम, वे मुंडिया सिंधली सिंधली नैणा विच तेरा नाम, वे मुंडिया सिंधली सिंधली नैणा विच तेरा नाम। Thank you, Dr. Monica Kapoor. Hi, I'm Dr. Monica Kapoor. I would really like to thank Gurpreet for doing such a beautiful work for farmers, and I wish everybody happy Makar Sankranti. Thank you. Richa. हाय, दिस इज़ रिचा। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और गुरप्रीत की खास बात है कि वो सबको लेकर चलती हैं, हम मित्रों के साथ भी यही है। मतलब मैं 7 मंथ्स बाद सबसे मिल रही हूँ, सो यही वो अपने सोशल वर्क में और बाकी चीज़ों में भी करती हैं और वो जो फॉर्मर्स के लिए कर रही हैं तो बहुत अच्छा काम है। और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी उनकी जल्दी से जल्दी बात सुने और सब लोग इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें, खुश रहें और मास्क पहने। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और ये त्यौहार मैं कम से कम 10 साल बाद यहाँ बॉम्बे में देख रहा हूँ, क्योंकि 10 साल हो गए मुझे, मैं पंजाब कभी इस त्यौहार पे गया नहीं हूँ। तो आज बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा कि आज पतंग हाथ में आई है तो मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ कब से। सो थैंक्स टू गुरप्रीत कौर दीदी जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, एंड हमारे पारुल जी ऑफकोर्स पी आर जो इतने सारे माइक लगा के हमारी आवाज़ जो यहाँ तक वहाँ तक पहुँचा देते हैं। सो जो चल रहा है किसानों का जो भी, सो बिल पास जो भी, मेरे को इतना ज़्यादा तो नहीं पता, बट जो भी है सरकार से विनती है कि सब प्यार से, सब शांति से, सब ठीक हो जाए। मकर संक्रांति के लिए गाना तो यश बनता है जरूर, पारुल जी आपके लिए जरूर एक गाना। थैंक यू। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना, कहीं और ना, सजदा गवारा असा ते तेनू रब मने आवे तू माने आना, मन दिलदारा ऐसा ते तेनू रब मनिया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, असा ते तेनू सब मने आवे तू माने आना, मन दिलदारा असा ते तेनू रब मन्या हो। Wonderful.